नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है। एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम दही बल्ले बनाएंगे। गर्मियों के सीज़न में होली हो या फिर शीतलाष्टमी हो या फिर गणगौर हो, किसी भी मौसम में इन्हें खा सकते हैं। मोस्टली होली पे बनाया जाता है इसे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हमें दही बल्ले बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए मैंने 1 कप लिए है यहाँ पे उड़द दाल और 1 कप लिए है मैंने यहाँ पे मूंग दाल। दोनों को पानी से वॉश कर लेंगे और लगभग 2-3 घंटे के लिए भिगो देंगे। इसे अच्छे से 2-3 बार धुल लेना है पानी से और भिगोने के लिए रख देना है। ये मैंने उड़द दाल को भिगो दिया। मैं अलग अलग भिगो रही हूँ, आप चाहें तो एक ही बर्तन में भिगो सकते हैं। भिगो के और इसे ढक के रख देंगे दोनों दालों को। लगभग 3-4 घंटे बाद मैंने इसको फिर से धुल लिया था और देखिए फ्रेंड्स, दाल एकदम भुन के तैयार है, फूल के तैयार है, अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में पीस लेंगे। पहले मैं मूंग दाल को पीस लेती हूँ। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं करना है, इसे ऐसे ही पीसना है। मैंने मूंग दाल को पीस लिया है। अब इसी जार में हम उड़द दाल को भी पीस लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है क्योंकि ये चिकनी होती है। ये देखिए, मैंने इसे भी पीस लिया है। इसे गाढ़ा ही रखना है, पतला बिल्कुल नहीं रखना है। थोड़ा सा पानी करना है उड़द दाल में, बस 2-3 टेबल स्पून छोटे साइज की। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे या स्वाद अनुसार, और इसे फेंटना है। लगभग 10 से 12 मिनट तक फेंटना है जब ताकि इसमें अच्छे से हवा भर जाए। इसे राउंड शेप में ही फेंटना है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, आप जैसे चाहें हाथ से या चम्मच से इसे फेंटें। मैं 1 कटोरी ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी लेके और थोड़ा सा घोल डाल के देखना है। अगर ये ऊपर तैर रहा है इसके मतलब आपकी दाल परफेक्ट घुल चुकी है। अब इसमें थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। 3-4 मैंने हरी मिर्च भी काट ली थी, उनको भी मिला देंगे और इसे एक बार और घोल लेंगे अच्छे से ताकि सारी कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च मिल जाए इसमें। अब इसमें 1 शीशे इनो डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी करना है ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए, बस इतना भर। और इस पूरे को मिला देंगे एक बार सारे घोल को। इनो डालने के बाद ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना है, इसे तुरंत ही बल्ले बनाने हैं। हम इसको ऑयल में तलकर नहीं, इसको भाप में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने इडली का मोल्ड लिया है। इसमें घी डाल देंगे थोड़ा, या आप ऑयल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डाल देंगे और इसमें बस थोड़ा थोड़ा घोल डाल देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है क्योंकि दही बल्ले काफी फूलते हैं, बस इतना बार। और इसे बराबर करने के लिए थोड़ा टप कर लेना है, बस बस इतना बहुत है। दूसरे मोल्ड में भी हम सेम इसी प्रोसेस से घी डालेंगे और उसके बाद में घोल डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस जगह आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें। इसमें भी घोल डाल देंगे।
मैंने गैस पे पहले ही इसमें पानी चढ़ा दिया था। पानी एकदम गुनगुना गर्म होने लगा है, तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ये दही भल्ले डाल देंगे, बस कुछ ऐसे। और इसे ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पर। तब तक हमारे भल्ले बनते हैं, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। हरी वाली चटनी, ग्रीन चटनी के लिए हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया, 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं, तीन चार हरी मिर्च ली है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और 1 कटोरी पानी डाल देंगे इसमें। छोटा छोटी वाली है ये, तो बस इसमें पानी डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चटनी एकदम बिल्कुल बन करके तैयार है। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे भल्ले बने हैं या नहीं। ये लीजिए, वाह, बहुत ही अच्छे भल्ले बन करके तैयार हुए हैं। आप किसी टूथपेस्ट या फिर चाकू की सहायता से देखें, बन चुके हैं भल्ले हमारे। और इसे चम्मच के बैक साइड से इस तरह निकाल लेंगे। और ये लीजिए, बहुत ही अच्छे बने हैं। ये लीजिए, इसी तरह सारे भल्ले निकाल लेंगे हम। सारे भल्लों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और एक बाउल में गर्म पानी किया रखा है। उस गर्म पानी में नमक और थोड़ा सा हींग डाल देंगे। इससे क्या है कि दही भल्ले एकदम फूले फूले और बहुत ही टेस्टी, एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो देखिए, मैंने इस बाउल में पानी भर रखा है। अब इसमें ये भल्ले डाल देंगे। लगभग 20-25 मिनट पहले डालना है आपको, जब खाने हो ये। इन्हें फ्रिज में 2-3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते ये। तो इस तरह इनका पानी निचोड़ लेंगे। ये देखिए, तो पानी निकाल के और इसे प्लेट में रख लेंगे। जब भी आपको खाने हो, आप इसी तरह निकाल लिया करें इनको। ये देखिए, मैं एक और पानी निचोड़ के दिखाती हूँ। दोनों हाथों के बीच में लेके ऐसे दबाना है ताकि इससे इसका सारा पानी निकल जाता है। ये देखिए, अब इसमें दही डाल देंगे। मैंने दही डाल दिया है, अभी मैं इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। इससे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैं इसमें भुना हुआ जीरा डालूंगी, थोड़ा थोड़ा सा। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है थोड़ा थोड़ा। अब इसमें ग्रीन चटनी डाल देंगे। ये देखिए, अब इसमें मीठी वाली चटनी डाल देंगे। ये लीजिए, आपके दही भल्ले बिल्कुल बनकर के तैयार हैं। फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।